वैसा का वैसे रहेगा या तो खुद से ठीक भी हो जाएगा अच्छा होने। इधर किधर से भी एक आवाज आ रहा है, मुझे लग रहा है यही आवाज कर रहा है। तो लोग काटेंगे नहीं, लेकिन वो साले लोग गाड़ी में आके बैठते। ओके ओके, सो हेलो देयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। इट्स बीन अ लॉन्ग 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 टाइम। मोटो ब्लॉग करके ज़माना हो गया गाइस। मतलब आप लोग तो अभी वीडियोस देख रहे हैं जो मैं सब पहले पहले शूट करके डाला हुआ है, सब वीडियोस है। बीच में अपना RX 100 का तो सीरीज चल ही रहा था, उसका भी बहुत सारा वीडियोस मैंने डाला। फिर उसके बाद RD का भी चल रहा था, तो वीडियोस इतना हो गया था कि उसके बीच में व्लॉग करने को टाइम नहीं मिल रहा था। एंड ज़बरदस्ती बीच में कुछ ऐसा व्लॉग्स डालने का मन भी नहीं हो रहा था। ऐसा चल रहा था कि मतलब अच्छे से सब कुछ चल रहा है पेस पे, RX का वीडियोज़ आ रहा है, RD का वीडियो आ रहा है, सब लोगों को मज़ा आ रहा है देखने को। एंड बीच बीच के डेली के काम थोड़े से रह गए थे, तो वही रीज़न से मेरा भी गाड़ी का बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया। तो वो मैं अभी आप लोगों को बताएगा, बहुत कुछ है बताने के लिए। आराम से बैठो एकदम रिलैक्स में, सब कुछ आपका भाई बताएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप। लड़कों के लिए सिर्फ भाई, ठीक है, लड़की लोगों के लिए नहीं। शुरुआत करते हैं सबसे अभी लेटेस्ट में मैंने अभी क्या किया उससे, बाकी तो गाड़ी का तो बात हो ही गई। सो आपका भाई अभी गया था कुछ दिनों पहले चेन्नई। यस गाइस, चेन्नई में गया था। एंड अगर आप लोग ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप लोग ने फिर मिस कर दिया है कि मैं किस रीज़न से गया था। एंड जिन्होंने मेरे को फॉलो किया है उनको तो पता ही है कि मैं गया था वहाँ पे। एंड हमको बुलाया था TVS ने, तो TVS ने हमको बुलाया था उनका एक इवेंट कवर करने के लिए। दैट वॉज द नेशनल चैम्पियनशिप विच हैपेंड एट द MMRT मद्रास मोटराइज ट्रैक, या फिर मद्रास इंटरनेशनल सर्किट MIC। सो वो एक रीज़न की वजह से मैं गया था। एंड इंस्टेंट प्लान था सडनली, मतलब 19 को मेरा टिकट्स हुआ, 20 को आई वॉज इन चेन्नई, 21 को मैंने इवेंट कवर किया, 22 को कवर किया, एंड 22 को रात को आई वॉज बैक इन मुंबई, और आई शुड से थाने। सो बहुत मज़ा आया। एंड मीटअप नहीं कर पाया मैं, क्योंकि मैं बहुत ही कट थ्रोट बोलते हैं ना, एकदम कट टू कट टाइम पे मैं चल रहा था। मैं होटल से जाता था ट्रैक पे, फिर ट्रैक से फिर होटल, उसके बाद मैं सब स्टोरीज अपलोड करो एंड सब फुटेजेस चेक करो, सब काम रह जाता था। एंड थक जाता था दिन भर सब काम करने के बाद में, शूट करने के बाद में, फिर अगला दिन की तैयारी। एंड अगला दिन जैसा शूट वगैरह हो गया 22 तारीख को, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट होटल से ट्रैक से गया होटल, एंड फिर होटल से गया मैं एयरपोर्ट, एंड एयरपोर्ट से सीधा अपन आ गए घर। सो वो कुछ 2-3 दिन का अपना था सीन्स। सो इसी रीज़न के वजह से मैंने मीटअप नहीं किया, नहीं तो मेरे को मीटअप करने का बहुत मन था, क्योंकि अपने चेन्नई के भी बहुत सारे पब्लिक है, अपने व्यूअर लोग। तो मैसेजेस आया था कुछ कुछ लोगों का कि भाई मीटअप करो मीटअप करो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कांट बी हैपेंड। एंड वो करेंगे अपन कभी फुर्सत में आराम से, ऐसा नहीं कि एक ही बार गया, और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अपने को मिलेंगे वहाँ पर जाने के लिए। सो या एंड यहाँ पर ट्रैफिक लग गया है मज़बूत वाला। सो जरा मैं आप लोग को बताऊँ कि अभी अपने गाड़ी में क्या क्या करने का है। सो थोड़ा गाड़ी पहले आगे ले लेते। सो सबसे पहला चीज़ तो भाई ये मीटर, मीटर का मेरा सर दर्द हो गया यार, मीटर बहुत आवाज़ कर रहा है। और अगर आप लोग देख सकते हैं कि नहीं, मेरा साइड का मोनोग्राम है वो, उसका लॉक टूट गया एंड मोनोग्राम आधे में लटक रहा था, तो फिर मैंने उसको निकाल के मेरे बैग में रख दिया। देन मेरा पीछे का जो ब्रेक है वो थोड़ा सा आवाज़ कर रहा है, एंड आई एम गेसिंग कि वो ख़त्म ही हो गए। सो लेट्स सी, अगर रिप्लेस करना पड़ा तो रिप्लेस भी करा देंगे, कि बेसिक छोटा मोटा पार्ट है, ज़्यादा महंगा नहीं है। RX का वही एक सबसे प्लस पॉइंट है कि भाई इसके पार्ट्स बहुत सस्ते हैं एंड मेंटेन करने को कोई तकलीफ नहीं है इसको, अनलाइक दी RDs एंड बिग मशीन्स। एंड RX Z भी उस कैटेगरी में आता है, भले ही वो बिग मशीन नहीं है, लेकिन उसके पार्ट्स रेयर होने की वजह से, वो बाइक रेयर होने की वजह से उसके पार्ट्स बहुत महंगे। सो वो एक चीज़ है। बाकी अपना हॉर्न बीच में थोड़ा सा गड़बड़ी कर रहा था, आई एम गेसिंग वो नीचे का इधर कुछ सॉकेट वगैरह से कुछ हो सकता है उसका, वो अपने आप ठीक हो गया। इसका ऐसा ही है, कोई प्रॉब्लम आता है फिर उसके बाद में वो अगर आपने सॉल्व नहीं किया तो वो वैसा का वैसे रहेगा, या तो खुद से ठीक भी हो जाएगा अच्छा होने। तो अभी यही छोटा मोटा काम है, और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है।
सो जाते हैं अभी गैरेज पे। एंड ये सब मेरा करने का रीज़न ये है कि पहला बात तो गाड़ी अपना अपडेटेड रहता ही है, इसलिए अपने को रखने का एकदम टकाटक अच्छे से ओ BMW अपडेटेड रहता ही है अपना गाड़ी। एंड दूसरी बात, आपके भाई को अभी कीड़ा काटा है चेम्बर एग्जॉस्ट डालने का। यस गाइस, बहुत मेरे को मन कर रहा है चेम्बर एग्जॉस्ट डालने को, क्योंकि जब से मैं ट्रैक से होके आया ना गाइस, भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया मेरा। एंड उधर सब प्रकार के बाइक्स आए थे, सुपर बाइक से लेके नॉर्मल बाइक्स और स्टॉक बाइक्स एंड टू स्ट्रोक्स। तो मैंने देखा वहाँ पे कुछ कुछ बाइक्स, एंड मेरे को भी भाई बहुत मन हो गया अभी कि मतलब RX में भी अभी चेम्बर डाल दूँ, थोड़ा सा मज़ा आए। एंड अपना गाड़ी का तो ब्रेकिंग भी हो गया है, बहुत टाइम हो गया, 19,000 किलोमीटर पे अपन ने चालू किया था एंड अभी 24,500 किलोमीटर हो चुका है। सो अच्छा खासा 3,000-4,000 किलोमीटर हो गया अभी अपने गाड़ी पे। एंड 3-4 में इसलिए बोल रहा है, मेरा मैक्स ख़राब नहीं है। ये मैंने मीटर जब भी लिया था छोटू भाई से, तभी मेरा गाड़ी का जब मैंने दिया था तभी आई गेस उसका कुछ 22,000-23,000 कुछ हुआ था। एंड इतना मेरे को याद है कि बराबर इस मीटर पे 1,000 किलोमीटर ज़्यादा था। तो अगर समझ लो 19,000 किलोमीटर पे अगर मैंने मेरा गाड़ी का ब्रेक इन उस टाइम पे ये मीटर नहीं था, फिर 22,000-23,000 किलोमीटर तक मैंने इसको चलाया, उसके बाद में मैंने मीटर चेंज किया एंड उस पे 1,000 किलोमीटर ज़्यादा था। सो टेक्निकली वही 3,000-4,000 किलोमीटर ही होना चाहिए इसके ऊपर। सो या एंड उतना डिसेंट है, क्योंकि मैंने अभी ये गाड़ी के ऊपर 8,000-10,000 ज़्यादा बोल दिया, भावना में ज़रा बह गया, 3,000-4,000 किलोमीटर हो गया अभी, ब्रेक इन भी हो गया, तो मैंने 80-90 पे भी इसको चलाया हुआ है गाड़ी को, 100 तक भी गया है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हार्ड ड्राइविंग में। सो चेम्बर डाल देंगे। और सर, अरे किसका है ये साइकिल? साइकिल बेचने का क्या? हाँ ना, सच में पैडल लगा दो, इंजन उतार दो। ओ भाई साहब, ओके, ये अपना गाड़ी का पूरा लुक है। एंड क्या मालूम अचानक से इधर किधर से भी एक आवाज़ आ रहा है, मुझे लग रहा है यही आवाज़ कर रहा है, बम्स वगैरह में जाता है। एंड ये देख लो आप लोग गाइस, ये भी इसका मोनोग्राम मेरे बैग में है। सर इधर ये आवाज़ आ रहा है, देखो ना जरा, कुछ क्या करने का उसको? पहले से मॉडिफाई हो गया वो, मॉडिफाई लूल हो गया वो, बहुत सारा छोटा छोटा चीज काम है अभी। तुम्हारे पास इसका मोनोग्राम का लॉक रहेगा क्या? इसका? वो अपना बाजू का पट्टी का RX 100 का मिलता है? मिल जाएगा, वो गिर गया था, वो मैं बैग में रख दिया उसको। बराबर इसका क्या हो गया है? अरे यार क्या है, चूहे लोग ना सच में समझ में नहीं आ रहा छोटू भाई, मेरा भी गाड़ी का बहुत वाट लगा रहे वो लोग। वो एक 3M का स्प्रे लेके आया मैं, तो थोड़ा बहुत तो काम, मतलब वो क्या होता है मालूम है, एक स्प्रे है वो थोड़ा सा ना चूहा लोग खाएगा ना उनको कड़वा लगता है, तो वो लोग काटेंगे नहीं, लेकिन वो साले लोग गाड़ी में आके बैठते हैं, तो बैठने का कुछ नहीं कर सकते तुम। मेरे को लगता है ना वो तंबाकू का जो पूड़ी रहता है ना 5 रुपये वाला, उससे मैं देखा है थोड़ा सा फर्क पड़ता है, आता नहीं वो लोग गाड़ी में, आता नहीं है इतना मैंने देखा है। साला 400 रुपये का स्प्रे लेके आया, अभी ऐसा लग रहा है कि वो भी वेस्ट हो गया। क्या करने का ये लोग को, अरे पूरा ये तो ये हो गया। अरे भाई साहब ये कर दिया है क्या छोटू भाई? बहुत बड़ा लग रहा है यार गैरेज, बहुत बड़ा लग रहा है, हम क्रिकेट खेल लेगा इधर। सो गाइस आप लोगों को पता रहेगा इधर शटर इधर था पहले, एंड अपना सिर सबका हमेशा लड़ा ही है किसी ना किसी का, एंड छोटू भाई ने अभी इसको शिफ्टिंग कर दिया, और मैक्सिल भाई भी अभी बाहर गए किधर तो भी, सो आएंगे तो उनसे भी मिलाएंगे। एंड अपना चेम्बर देखो उधर है कोने में, एंड ये कोई तो भी गाड़ी का फ्रेम है ये, अभी शायद से मेरे को लग रहा है कि मेरे ही, मैंने जो डब्बा लेके आया था ये वही वाला है एल्फ। इसका भी रिव्यू आएगा गाइस, अपने को पब्लिक ने पूछा था इसका रिव्यू दो, कमिंग सून।
आई विल सी यू। जा रहे हो? या मैन, वर्क्स, लेट नाइट वर्क्स, ओनली डैड जॉब्स। चलो आई विल सी यू टुमारो। ओके बाय बाय। सो गाइस, निकल पड़े हैं हम घर की तरफ। एंड आज भी आप सभी को मैंने डिसअपॉइंट कर दिया है, क्योंकि मैं आज भी काम नहीं करा पाया। एंड एज यूजुअल मैक्सिल भाई के गाड़ी का कुछ ज़्यादा ही बड़ा काम निकल गया। एंड वही है, वो काम अभी आप लोग देख ही सकते हैं। जब इसे आया मैं, तभी भी वो गाड़ी खड़ा ही था। एंड अभी बज गए हैं एग्जैक्टली 7। एंड अपन को अभी घर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी अभी भी काम पेंडिंग है। अपना अपना काम ख़त्म नहीं होता, 24 आवर चालू ही रहता है। यूट्यूब का काम, बाकी अपना बिजनेस का काम। तो अभी अपन बिजनेस के काम से अभी निकल पड़े हैं घर की तरफ। एंड उसमें कोई डिले नहीं कर सकते, क्योंकि अपन वो करते हैं अपने पिताश्री के साथ में। एंड गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना जो मैं हर ब्लॉग में भूल जाता है बताने को, लेकिन मैं अभी बता रहा है आप लोग को। शायद से वीडियो का टाइटल भी वही है, तो वही आप लोग सुनने आए हैं यहाँ पर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं RX रेस्टोरेशन वाला पूरा का पूरा सीरीज़ डाल दिया, लेकिन जो सबसे मेन वीडियो है वो अभी तक नहीं डाला है। दैट इज़ द प्राइजिंग वाला वीडियो। एंड वो नहीं डालने का रीज़न ये है कि जो अभी पहला बात, छोटू भाई ने वो पूरा लिस्ट बनाया नहीं है। जो लिस्ट अपने पास है, वो लिस्ट बनाया है मुन्ना भाई ने, जो काम करते हैं रफ़ीक भाई के गैरेज पे। एंड उनका भाई साहब हैंडराइटिंग बहुत ही ख़राब, बहुत ही अजीब हैंडराइटिंग है, जो कि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एंड मेरे को मालूम है कि आप सभी लोगों को कितना एक्साइटमेंट है, हर एक पार्ट का प्राइस आप लोगों को जानना है। तो ज़रूर आएगा वीडियो, थोड़ा सा लेट हो रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, बट आएगा ज़रूर। एंड मैं उसको ट्राई करेगा ये मंथ के एंड में, या तो शायद से इसका अगला वीडियो ही हो सकता है, वही वाला प्राइसिंग वाला वीडियो। एंड वो आप लोग को जैसा कि देखने को मिल जाएगा एक बार, उसके बाद आप सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे। एंड फिर अपन रेगुलरली जो जो सब अपना वीडियोस है वो सब डालते रहेंगे। एंड कमेंट में बताओ गाइस, चेंबर वाला वीडियो आप लोगों को चाहिए कि नहीं। आई एम श्योर आप लोगों को चाहिए। एंड अपन टारगेट रखते हैं इस वीडियो का 600 likes। 600 likes जैसा आ गया तो नेक्स्ट मंथ अपन पक्का इंस्टॉल करेंगे चेंबर। एंड और भी बहुत सारे सरप्राइजेस है। आप सभी लोगों को पता रहेगा कि थाने के पास में भांडुप में ही मोस्टली क्रोमिंग का वर्क होता है, क्रोमिंग का काम होता है। लेकिन हम लोग को थाने में ही एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी क्रोमिंग वाला मिल गया है, तो वो मैं आप लोगों को बताएगा जब ही इस वीडियो पे आएगा 600 likes। सो यह बहुत ही क्रेजी वाला सीन्स होने वाले हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करो अपने चैनल को। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो अगर आप लोग ने फॉलो नहीं किया, क्योंकि उधर भी मैं बहुत ही मस्त मस्त रील्स डालता है एंड फोटोज़ वगैरह आते ही है। एंड हर एक अपडेट सबसे पहला वहीं पे आता है, उसके बाद वो यूट्यूब पे आता है। सो अगर मिस नहीं करना है आप लोगों को सब फन, तो फटाफट चले जाइए हमारे इंस्टाग्राम पे एंड कर दीजिए फॉलो। सो या गाइस, दिस वॉज पीडियो लियो, दिस RX 100, एंड वी होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर एंड पीस, राइड सेफ, एंड ऑलवेज वेयर दैट हेलमेट।